तहसील मधुसूदनगढ़ के ग्राम खेरखेड़ी गांव में हुए रेप को लेकर मधुसूदनगढ़ में किया गया चक्काजाम। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। चाचौड़ा से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। चाचौड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेरखेड़ी में एक नाबालिग के रेप का मामला सामने आया है, जिसमें सभी समाज और पूर्व विधायक चाचौड़ा ममता मीना सहित सभी समाज जनों ने धरना दिया। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। हम सब ने मिलकर उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की, लेकिन उस घटना में जो वास्तव में दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उसके लिए हम सब समर्थन दे रहे हैं, हम सब साथ हैं। लेकिन उस घटना की आड़ में कुछ लोगों को गलत तरीके से भी नहीं फंसाया जाना चाहिए, ये भी हम मांग करते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं एक जाति विशेष को लेकर, जब हम सब लोगों ने आगे आके उस घटना के लिए सबसे पहले मांग की है, तो इस प्रकार से किसी सभ्य समाज को लांछित करने का किसी को अधिकार नहीं है, और कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, और इस क्षेत्र की जो शांति का जो वातावरण है वो अशांत हो जाएगा। इसलिए मैं फिर आगाह कर रहा हूँ कि हम सब अभी तक तो तहसीलदार मैडम अभी यहाँ पर आई, न कोई SDM आए, न कोई ADM आए, आखिर में इस तरह की स्थिति क्यों बनाई जा रही। ये बोल रहा है कि 376 की कायमी पुलिस ने करी है, तो पुलिस ही मकान गिराने का काम करे। ये कौन सा, ये तहसीलदार ने जो जवाब दिया कि ये जवाब देने योग्य कि मैं क्या पीड़िता को और पीड़ित परिवार, उनके चाचा लाजी, उनके ताऊ जी, पूरा पीड़ित परिवार यह बेटा है, क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? जब न्याय मिलना चाहिए तो मैं ये चाहती हूँ जो सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सब लोग आके यहाँ पर एक बेटी के सम्मान में और पीड़ित परिवार को आप एक ढांढस बंधा सके उनके सम्मान में आप यहाँ पर आके बैठे। मैं आपके मंच के माध्यम से पूरे नगर वासियों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बेटी है, तो जो नाबालिग इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी इस बड़ी घटनाओं में बहुत बड़ी इनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि रात को इनकी गश्त अच्छे से नहीं चलती। स्कूलों के आसपास फालतू के अवैध निर्माण हो रहे हैं, स्कूलों के आसपास जहाँ पर कौन लोग बैठ रहे हैं, कैसे लोग बैठ रहे हैं, कभी आज तक पुलिस ने उनसे धोखाधड़ी नहीं करी, और उस स्थिति में आज ये कहीं ना कहीं अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ FIR होना चाहिए, जिससे कि सामाजिक दुर्भावना फैलाने का साहस ना कर सके, सामाजिक सद्भाव बन सके। हम सभी लोग सब समाज से, सभी सामाजिक बंधुओं से, सब क्षेत्र के वासियों से आह्वान करते हैं कि सब लोग इसमें पीड़िता का साथ दें, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए सब लोग सहयोग करेंगे। साथ ही बाजार और नगर वासियों से आह्वान है कि सब लोग सहयोग करें, आज हमारी है, किसी और की है। अभी धरना आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मकान तो वो खुद तोड़ रहा है, क्योंकि जारी हुआ है। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आरोपी गिरफ्तार हो चुका है क्या? आरोपी जेल जा चुका है। रहेंगे ऐसे ही?